स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम, चैप्टर 7 डेसिमल्स। बच्चों, ये चैप्टर आपका लेंथी है बट बहुत ही आसान रहेगा, इजी रहेगा। अगर आप एक बार ध्यान से इसको करेंगे तो आप बहुत अच्छे से सारी एक्सरसाइज कर पाएंगे। पिछली क्लासेस में भी आपने डेसिमल्स किया है बट इस बार थोड़ा सा लेंथी ये रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले तो व्हाट आर डेसिमल्स, डेसिमल्स होते क्या है? फ्रैक्शन विद डेनोमिनेटर्स 10, 100, 1000 एज इट इज आर कॉल्ड डेसिमल फ्रैक्शंस। जिन फ्रैक्शंस यानी जिनके डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 भी होता है, जो आगे चलता ही रहता है इसी तरह, ये सारे डेसिमल फ्रैक्शंस होते हैं। जैसे जिस तरह से 3/10 लिखा हुआ है, अगर हम इसको डेसिमल में लिखते हैं ये तो फ्रैक्शन है, अगर हम इसको डेसिमल पॉइंट में लिखते हैं तो जितनी भी जीरो नीचे ऐड होती है उतना ही डिजिट के बाद पॉइंट लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर 3/10 है तो क्या लिखेंगे, 0.3, यानी कि पॉइंट के ठीक एक ही डिजिट के बाद ही पॉइंट लग जाएगा। जैसे यहाँ पर 100 है तो वही 2 डिजिट्स हो गई, यहाँ पर 3 है तो 3 डिजिट्स, 3 डिजिट्स काउंट करेंगे। जैसे ये 10th है तो ये 10th प्लेस पर ही, ये 100th है तो 100th प्लेस पर, ये 1000th है तो ये 1000th प्लेस पर ही पॉइंट लगता है। इस तरह से हम पॉइंट जहाँ भी लगाते हैं ये पॉइंट ही हमारा डेसिमल कहलाता है। अगर हम प्लेस वैल्यू चार्ट की बात करते हैं तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं वो होल नंबर पार्ट होता है बच्चों, और राइट हैंड को हमारा फ्रैक्शनल पार्ट यानी कि डेसिमल पार्ट होता है। तो बच्चों, हम सभी बच्चे जानते हैं, सभी जानते हैं कि 1, 10, 100, 1000, 10,000 यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जितना भी बढ़ता चला जाएगा डिजिट्स उतनी ही उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, बट जितना हम राइट हैंड साइड डिजिट्स बढ़ाएंगे उतनी ही उसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी। अब आप पूछेंगे वैसा क्यों? क्योंकि बच्चों जब डेसिमल पॉइंट लग जाता है तो 10th प्लेस यानी कि 1/10 यानी कि एक ही हिस्से, एक चीज के 10 हिस्से कर देना। इसी तरह फिर 100, 1000, 10,000 एज इट इज चलते रहते हैं, यानी कि एक ही चीज के 100 हिस्से, 100वां हिस्सा, और यहाँ पर एक ही का 1000वां हिस्सा। तो इस तरह से जब जितने भी ज्यादा हिस्से होंगे तो चीज क्या होती चली जाती है बच्चों, वैल्यू छोटी होती चली जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप कि डेसिमल के राइट हैंड साइड जितनी भी डिजिट्स हम लिखते जाएंगे उसकी वैल्यू उतनी ही कम होती चली जाएगी। ठीक है बच्चों, इसी तरह फिर एक्सपेंडेड फॉर्म आती है प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में जैसे हमें डिजिट दी गई 235, फिर यहाँ पर पॉइंट लगाते हैं और पॉइंट के बाद की डिजिट को हम पढ़ते हैं 4, 5, 6। एक तो तरीका है ये, नहीं तो आप इसको इस तरह से भी पढ़ सकते हैं, 4, 10, 500 एंड 6,000। आप उसको उसी तरीके से लिखेंगे कि 235, फिर बीच में पॉइंट लग गया। फिर 4 क्या है, 10th है तो 4/10, 5 है 100th तो 5 के अपॉन में 100, 6,000th प्लेस पर है तो 6 के अपॉन में 1000, और इनको इस तरह से आप लिख देंगे। ये तो होता है एक्सपेंडेड फॉर्म। इसका सेकेंड पार्ट की एक्सपेंडेड इस तरह से लिखेंगे कि 200s, 3 10s, 5 1s, और 4 क्या है 10s, 500s हैं और 6,000s हैं। ठीक है बच्चों, इसी तरह फिर डेसिमल नंबर्स के जो कॉरस्पॉन्डिंग है यानी कि हमने उसको किस में लिखना है, होल नंबर्स में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे कि भाई 300s, 8 10s, 4 1s, तो इनको हम उसी के अकॉर्डिंग 1s है तो 1 से मल्टीप्लाई, 10s है तो 10 और 100s है तो 100 से। ध्यान रखना है कि 10th अगर लग गया है तो 1/10, 100th लग गया तो 1/100, उनको फिर ऐसे लिखेंगे और फिर लास्ट में ऐसे लिख देंगे हम उसको। ठीक है बच्चों, ये बिल्कुल ही सिंपल रहेगा बच्चों। फिर कन्वर्ट आ जाता है, कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, डेसिमल्स दिए गए होंगे इस तरह से और उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, तो किस तरह से करेंगे, बिल्कुल सिंपल चीज बताऊंगी बच्चों कि आप ये चीजें आपको करने की कोई भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने काउंट करना है 4 कहाँ है 10th प्लेस पर, 5 कहाँ है 100th प्लेस पर, यानी कि लास्ट हमारा 100 आ गया, तो आप सिर्फ पॉइंट को बोलकर सारे डिजिट को एज इट इज लिख लो, और नीचे सिर्फ हमने क्या लिखना है 100 लिखना है। वो क्यों लिखना है, क्योंकि 100th प्लेस तक ही हमारी डिजिट है पॉइंट के,
बाद की, सिर्फ हम डेसिमल के बाद की डिजिट को ही देखेंगे और अपॉन में उतनी ही जीरो ऐड कर देंगे जितने के पॉइंट के बाद की डिजिट है। जब हम इसको यहाँ करेंगे बच्चों ये चीजें, तो आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से ये समझ में भी आ जाएगा। अब आप देखेंगे ये कुछ स्टेप्स हैं कन्वर्टिंग अ डेसिमल इनटू अ फ्रैक्शन, कि डेसिमल को कैसे फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर इसको पढ़ कर दिखाने की बजाय मैं आपको सिर्फ सीधा करके ही दिखाऊंगी बच्चों, तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि करके ही देखने के बाद ही मैथ्स अच्छे से समझ में आता है। तो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन मैं अभी आपको कराती हूँ। एक्सरसाइज 7.1 है बच्चों, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म। यहाँ पर इसके 6 पार्ट्स आपको दी गई है, तो मैं आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फिफ्थ कर रही हूँ। 4 और 6 आपको होमवर्क के लिए छोड़ रही हूँ। तो सभी बच्चे बड़े ही ध्यान से इसको देखना, तभी आपको ये समझ में आएगा। देखो बच्चों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड आपके होल नंबर्स रहेंगे और राइट हैंड साइड आपके सारे डेसिमल्स वाले रहेंगे। तो ठीक है, पॉइंट के बीच जहाँ पर पॉइंट है आपका, आप उसको एज इट इज इधर है ये 21, यानी कि आपका क्या है 21, मैंने लिख लिया एज इट इज। आप डेसिमल आ गया वहां पर एज इट इज आप जीरो को प्लस लगा दो ऐसे ही। अब जीरो है तो जीरो कहाँ पर है, टेंथ प्लेस पर है, ठीक है, टेंथ प्लेस है ये। फिर ये 100th प्लेस है और ये इधर 1000th प्लेस है, ठीक है बच्चों। तो सिर्फ आप देखो, जीरो टेंथ प्लेस पर आई, यहाँ पर जीरो कहाँ पर आई, 100th प्लेस पर आई, और 5 कहाँ पर आया, यस 1000th प्लेस पर आया, ठीक है, ये मैंने लिख लिया। पर जब मैंने जीरो के अपॉन में 10 किया है और 100 किया है, तो इनकी कोई भी वैल्यू नहीं होती बच्चों। आप इसको ऐसे भी लिख दोगे और इसको सिर्फ ऐसे कर भी आप इसको छोड़ सकते हो, क्योंकि इसकी वैल्यू भी जीरो हो गई और इसकी वैल्यू भी जीरो हो गई, और 5 कहाँ आ गया, 5 कहाँ आ गया आपका 100th प्लेस पर, यस एज इट इज। और आप एक चीज और भी ध्यान रखेंगे बच्चों कि आप सिर्फ आप इसको एज इट इज ऐसे लिख कर भी छोड़ देंगे तब भी आपका ये सही माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि 5 क्या है, 5 हमें दिखाई दे रहा है कि 5 क्या है, यस 5000। तो आपको मैंने अलग अलग तरीके से बताया बच्चों, आप ऐसे करके भी लिख देंगे तब भी सही रहेगा, ऐसे लिख देंगे तब भी, और ऐसे लिखेंगे तो भी, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट है हमारा 9 है, 9 वंस पर ही है, तो अकेला 9 है हमारा, ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 9 ही आ जाएगा। अब आपने क्या लगाना है, प्लस। अब डेसिमल से इधर के 8 क्या है, 8 कहाँ पर है, यस 10th प्लेस पर है, यस। फिर 0 है तो 0 कहाँ है, 100th प्लेस पर, तो ये लिख दिया मैंने 100, और 8 कहाँ है बच्चों, 1000th प्लेस पर, तो ये लिख दिया मैंने इसके नीचे 1000, ठीक है। तो कैसे लिखोगे आप इसको, 9 प्लस 8 अपॉन 10, क्योंकि 8 10th है, 0 रहेगा क्योंकि इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, और ये आ गया आपका 8 100, ठीक है बच्चों। इस तरह से ये आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है 92, तो जैसे आप बोल रहे हो वैसे ही लिखोगे 92, मैंने वही लिखा है, कुछ नहीं अलग किया। अब डेसिमल आ गया, फिर प्लस का निशान, तो अब इधर 5 क्या है, 5 है मेरा 10th प्लेस पर, तो 10th, 4 कहाँ है मेरा, 100th प्लेस पर, तो 100, और 3 कहाँ है, यस 1000th प्लेस पर, ठीक है ना बच्चों। देखो एक चीज और सिंपल याद रखना, पॉइंट के बाद फर्स्ट है तो 10, सेकंड प्लेस पर है तो 2, और थर्ड प्लेस पर है तो 3, सिंपल, इतना भी याद रख सकते हो, आपको अगर याद नहीं रहता है तो। अब है मेरा 616.616, अगर आपको वर्ड में ये पढ़ना पड़े तो इसको डेसिमल के बाद की डिजिट्स को हम एक एक करके ही पढ़ते हैं, ऐसे नहीं पढ़ेंगे 616.616, तो वो गलत माना जाता है। क्या बोलते हैं इसको, 600, तो ये 10 हो गया और ये हो गया 1। अब इधर को पढ़ते हैं हम, क्या 6 का है 10th प्लेस पर, 1 है यस 100th प्लेस पर, और फिर नेक्स्ट 6 है हमारा 1000th प्लेस पर। अगर इसको नंबर नेम में अगर हमें पढ़ना हो तो बच्चों हमें इसको यही पढ़ेंगे 616.616, ठीक है बच्चों। इस तरह से आप इसके दो पार्ट जो मैंने छोड़ दिए उनको होमवर्क में कर लेना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, राइट डेसिमल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर बच्चों आपको ये एक्सपेंडेड फॉर्म दी गई है, एक्सपेंड करके दिखाया गया है और इसको हमने डेसिमल में लिखना है। जैसे ऊपर ये डेसिमल में लिखा हुआ है ना, हमने सेम एज इट इज लिखना है। तो सभी बच्चे अपनी अपनी नोटबुक में पहले क्वेश्चन नंबर 2 डालेंगे, फिर हर एक बार जैसे पार्ट 1 है तो पार्ट 1 ऐसे उतार लिया, फिर उसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो आपने लिखना है इस तरह से, पॉइंट डेसिमल लगाया, इधर 10, 100, 1000 लिखा, इधर 1s, 10s, 100 और 1000 लिख लिया। अब मैं सिर्फ वही करूंगी जो मुझे याद दिया गया है। हमें क्या दिया गया है, 6 ones है, तो ones के नीचे ही मैं 6 लिखूंगी, ठीक है। फिर दिया 6 tenth, तो पॉइंट लग गया, 6 tenth है तो मैंने 6 के नीचे, इस 10th के नीचे 6 लिखा। 100th का है इसने 2 और 3 का है 1000, तो मैंने ये लिख दिया 1000 के नीचे, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या आया, 6.623, ये मेरा फर्स्ट का सॉल्यूशन आ गया, ठीक है बच्चों। इस तरह से ही मैं यहाँ पर आपको सेकंड का करके दिखा रही हूँ। 6 में कहा इन्होंने 800, 3 ones, तो पहले 800 और 3 ones को लिखो। 800 का है ना, तो 100 के नीचे ही लिखो। अब 10 नहीं कहा है इन्होंने, 3 क्या कहा है, 1, तो 3 ones है, तो मैं 10s के लिए क्या लिख दूंगी, खाली रहा ना 10s का प्लेस, तो उसकी प्लेस की जगह मैं लिख दूंगी 0, ठीक है बच्चों। पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाया मैंने, ठीक वही। अब कहा इन्होंने 4 tens and 2 thousands, यहाँ पर भी 100s का प्लेस इन्होंने क्या किया, खाली छोड़ दिया। तो 4 tens बोला है तो मैंने 10s के नीचे ही 4 लिखा, और 1000s 2000s का है तो मैं 1000s के नीचे ही 2 लिखूंगी। 100s इन्होंने नहीं कहा तो मैं 100s के नीचे क्या लिख दूंगी, 0। तो मेरा इसका सॉल्यूशन क्या आया बच्चों, 803.402, ठीक है बच्चों। इसी तरह थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, हम सेम सारे यही ऐसे लिखेंगे, सारों के प्लेस ऊपर लिखने, प्लेस के नीचे ही लिखते रहो, कुछ भी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट कह रहा है ये 800s, 2 tens, 4 ones और 8 thousands, यानी कि tens और hundreds दोनों प्लेस खाली है, ठीक है। तो 800s कह रहा है ये, 800s, 100s के नीचे मैंने 8 लिख लिया, ठीक है ना बच्चों। अब 2 tens कह रहा है तो 10s के नीचे ही मैं 2 लिख दूंगी, और 1s के नीचे 4 का है तो ये लिख दिया, लिख दिया। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है डेसिमल के, वही लिखना है। 8000s बोला है तो मैं 1000 के नीचे ही लिखूंगी, यहाँ नहीं लिखूंगी, ठीक है बच्चों। 1000 बोला तो मैं 1000 के नीचे, अब मेरा 10th प्लेस भी खाली और 100th प्लेस भी खाली, तो उसकी जगह मैं क्या लिख दूंगी, 0। नेक्स्ट का है इन्होंने बच्चों 200s, 5 tens, 900s, 5000s, यानी कि 1s का प्लेस यहाँ खाली है और 10s का प्लेस यहाँ खाली है, तो मैं उनको ऐसे ही छोड़ दूंगी। 200s का है इन्होंने तो 200s के नीचे लिख दिया मैंने, 100s के नीचे 2, 10s के नीचे बोला इन्होंने 5 tens, तो ये लिख दिया। 1s नहीं कहा तो 1s की जगह मैंने किया 0, पॉइंट एज इट इज लगा दिया। अब 10s नहीं कहा, 900s का है तो मैंने 100s के नीचे 9 पुट किया, और 1000s का है तो 5000s, तो 10s का प्लेस खाली है, खाली है तो उसको मैं क्या लिख दूंगी, 0, हो गया सॉल्यूशन इस तरह से। नेक्स्ट इसी तरह है 6 tens 4 ones, 6 tens तो 10s के नीचे लिखो और 4 ones, 1s के नीचे लिखो, वैसे आ गया डेसिमल। 5 tens and 8 thousands, 5 tens and 8 thousands, 100s का प्लेस खाली है, खाली है तो उसकी जगह लिख दो 0। नेक्स्ट है 500s and 5 thousands, अब यहाँ 500s है बच्चों, तो 100s के नीचे ही 5 लिखूंगी मैं। यहाँ पर मेरे को 10s भी नहीं कहा, 1s भी नहीं कहा, तो मैंने ये लगा दी 0। अब डेसिमल लगाया, 500s का है तो मैं 100s के नीचे ही 5 लिखूंगी, 5000s का है तो 1000s के नीचे ही 5 लिखूंगी, 10s की जगह मैं क्या कर दूंगी, 0 पुट कर दूंगी, हो गया। इसी तरह हमारे सारे सॉल्यूशन हो गए। ये हमारा सेकंड है बच्चों, ये थर्ड, इसी तरह ये फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ। आप सभी बच्चे हर सॉल्यूशन करने से पहले उसका क्या लिखोगे, क्वेश्चन लिखोगे, फिर सॉल्यूशन, फिर क्वेश्चन लिखोगे, फिर सॉल्यूशन। मैंने यहाँ से देखकर आपको सिर्फ सॉल्यूशन करना ही बताया।
क्वेश्चन नंबर थ्री है बच्चों हमारा, कन्वर्ट द फॉलोइंग एज फ्रैक्शन इन द लोएस्ट टर्म और एज मिक्स्ड नंबर्स। यहाँ पर आपको ये नंबर्स दी गई हैं बच्चों, डेसिमल्स फ्रैक्शंस दी गई हैं, इनको हमने क्या करना है लोएस्ट टर्म में करना है। ठीक है, पहले फ्रैक्शन बनानी है, फिर उसको हमने लोएस्ट टर्म यानी कि उनकी कटिंग करके उनको जितना हम काट सकते हैं उतने कर लेना और बाद में उसको मिक्स्ड नंबर में लिखना है। तो यहाँ पर हमें दिया गया था बच्चों कन्वर्टिंग अ डेसिमल इनटू अ फ्रैक्शन। अब जो जो ये पॉइंट है उन पॉइंट को मैं आपको वर्बली नहीं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाती हूँ। सबसे पहला पॉइंट है हमारा, राइट द डेसिमल विदाउट द डेसिमल पॉइंट एज द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन। ठीक है, जो हमें डेसिमल दिए गए हैं अब आप क्या करो उसको फ्रैक्शन में लिख लो विदाउट उसके। ठीक है, डेसिमल मैंने दिया हटा, लिख दिया इसको। सेकेंड में कहा है राइट द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन बाय पुटिंग वन एंड द नंबर ऑफ जीरो एज एट इट्स राइट इक्वल टू द नंबर्स ऑफ डिजिट्स टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट इन द गिवन नंबर। अब देखो इन्होंने कहा है राइट साइड में जितनी डिजिट्स हैं उतनी ही आप जीरो ऐड कर दो। कितने डिजिट है हमारी, वन टू, तो मैंने कितनी जीरो ऐड कर दी, वन टू कर दिया, सिंपल। अब कहा है इन्होंने सिंप्लीफाई द फ्रैक्शन एंड राइट द फ्रैक्शन इन इट्स पॉसिबल लोएस्ट फॉर्म। अब आप इसको सिंपली जितने जैसे भी आप इसको डिवाइड कर सकते हो इसको आप डिवाइड लिख सकते हैं। ठीक है, एक तो तरीका है बच्चों ये जो यहाँ पर बताया गया सिंपल, ये फर्स्ट मेथड था कि आप जितने भी डेसिमल के बाद जितनी डिजिट्स है उतनी जीरो नीचे ऐड करो, फिर जितना आपसे काटा जा सकता उतना काट दो। ठीक है, जैसे यहाँ पर जिससे भी कैंसलिंग किया जाए 2 से 4 से 25 से मतलब जितना भी यहाँ पर कैंसिल करके दिखाया गया फिर इसको मिक्स्ड में किया। सेकंड मेथड है हमारा इस तरह से कि जितने हमारे लेफ्ट हैंड साइड डिजिट्स हैं उनको होल नंबर एज इट इज रख लो, यानी कि मैं इसको दूसरे तरीके से यहाँ पर बताती हूँ। जैसे ये दिया था, ये मेरे राइट साइड की डिजिट्स हैं तो मैं इसको एज इट इज लिख लूँ, जहाँ पर पॉइंट लिखा है वहाँ पर लगा दूंगा प्लस और 72 यानी कि टू डिजिट्स डेसिमल के बाद तो उसके नीचे मैं टू डिजिट जीरो ऐड कर दूँ। अब मेरा सिंपल हो जाएगा कि बस मैंने 72 और 100 की कटिंग करनी है, 13 रह जाएगा अलग। यहाँ पर कि इतने बड़े डिजिट्स को मैंने काटना है, यहाँ पर सिंपल थोड़ी डिजिट को काटना है। तो जो भी आपको फार्मूला बिल्कुल सही लगे बच्चों, जो मेथड्स आपको सही लगे आसान लगे वो आप करना, मैं आपको इस तरीके से बता रही हूँ। ठीक है, आप इस तरह से भी कैंसिल करोगे तब भी वही आंसर आना है और इस तरह से करोगे तब भी वही आंसर आना है, ये आसान रहेगा। तो आप इसको देखो, अब देखो सबसे पहले आपको क्या नजर आ रहा है, आप यहाँ साइड में लिख देना कि देखो हम इसको टू से काट सकते हैं क्योंकि टू है। जब मैं इसको टू से ऊपर डिवाइड और टू से नीचे डिवाइड करूंगी तो क्या आ जाएगा, 36 टू जा 72 एंड 50 टू जा 100 आ गया। अब फिर से जो है ना ये टू से डिवाइड हो रहा है, टू से डिवाइड हो रहा है तो फिर मैं काट दूंगी 218 जा और 225 जा। अब 18 और 25 जो आ गया वो किसी से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो मैं इतना यही लिख लूंगी आप इसकी जगह, किसकी जगह, इसकी जगह। तो क्या लिखूंगी मैं, 13 प्लस 72 अपॉन 100 था उसको मैंने काटा, यहाँ ऐसे लिख लिया। तो अब मैं क्या लिखूंगी, 13 प्लस 18 अपॉन 25। अब आपने सिंपल लिख देना है, प्लस के निशान को हटा देना है और 18 अपॉन 25 ये आ गई हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन। सिंपल कट गया, सिंपल यही लिखना है हमने जो कटिंग के बाद आया और उसको आपने फ्रैक्शन में लिख देना, सिंपल कुछ भी नहीं करना। अब जैसे नेक्स्ट है, एक चीज और देखो, नेक्स्ट पार्ट देखो, 94.07 है, सिंपल 94 को मैं एज इट इज लिख लूंगी, पॉइंट जहाँ आया वहाँ प्लस निशान लगाया, 7 है मेरा, 07 है तो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 1 2, तो मैं कितनी जीरो ऐड कर दूंगी, 2। अब 7 upon 100 बच्चों ऐसी डिजिट है वो जो किसी से भी नहीं कटेगी, तो नहीं कटती तो सिंपल है 94 7 upon 100, है ना, बहुत सिंपल। जो चीज जो भी डिजिट्स आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जैसे यहाँ डिवाइड हो रहे थे तो आपने कट कर देने हैं। ठीक है, नहीं कट हो रहे हैं किसी से भी, किसी के टेबल में वो नहीं आ रहे हैं तो वो सिंपल आपकी ये फ्रैक्शन बन गई। ठीक है बच्चों, ये है आपकी लोएस्ट भी और मिक्स्ड भी।
अब नेक्स्ट पार्ट है, इसी तरह से है कि भी 2.253, देखो ये थर्ड पार्ट देखो, मैं अभी दिखाती हूँ आपको, 2.253 लिख लिया। अब क्या करना है, मैंने 2 प्लस लगाया, 253 लिख दिया। अब कितनी जीरो ऐड करनी है, 1, 2, 3, तो 1, 2, 3 और लगा दिया 1। अब ये देखें बच्चों कि 3 और 0 ये ऐसी डिजिट्स हैं जो दोनों एक ही टेबल में कहीं नहीं कटेंगे, नहीं कटेंगे, तो इसको सिंपल ये लिख दिया मैंने 253/1000। आ गई आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन। इस तरह से आप नेक्स्ट पार्ट भी इसके कर सकते हो, जैसे 87 है, 87/100 लिखोगे, वो भी किसी से नहीं कटने वाले हैं, तो आप उसको सिंपल 213/87/100 कर देना। आगे फ्रैक्शन नेक्स्ट है, जैसे 5 है, तो 5/5 कितना करोगे, 1, 2, 3, 4, तो 10,000 उसके नीचे करोगे, फिर आप 5 1 जा और 5 ये नीचे जितने भी आप काट सकते हो वो काट दोगे और फिर इसको फ्रैक्शन में आप लिखोगे। ठीक है बच्चों, तो बहुत सारे पार्ट्स हैं आपके जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो और आप अपने आप से भी कर सकते हो, कुछ पार्ट मैं आगे भी आपको करके दिखा रही हूँ। मैंने इसके कुछ पार्ट उतार लिए बच्चों, अब देखो मैं आपको आगे कर रही हूँ। अब सिंपल है, 6 याद रखना, अब डेसिमल की जगह आपने लगाना है प्लस, और इन जीरो को तो लिखने की जरूरत नहीं। 5, अब 5 के अपॉन में कितनी जीरो ऐड करोगे आप, 1, 2, 3, 4, तो 1, 2, 3, 4 और 1 साथ में लिखना है। ठीक है, आपने अब किसको कट करना है, सिर्फ 5/10,000 को, तो काट दो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 0 की 0, ये भी 0 एज इट इज, ये भी 0 एज इट इज, तो क्या आ गया मेरा 6/1/2000 आ गया। तो आप इसको फ्रैक्शन में कैसे लिख दोगे, सिंपल आ गया आपकी फ्रैक्शन, है ना सिंपल। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या है, 0 है, तो इस 0 को आपने कुछ नहीं करना, ना ही 0 का कुछ करना, सिर्फ आपने क्या काउंट करना है कि डिजिट्स काउंट करो, 1, 2, 3, 4, ये मत सोचना कि 0 है तो उसको काउंट ना करें, काउंट जरूर करना बच्चों, सिर्फ आपने ऊपर ये लिखना है सिंपल, यहाँ पर 0 लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपने ये काउंट करना है और उतनी ही 0 ऐड कर देनी है, 1, 2, 3, 4, क्योंकि 4 डिजिट थी ना डेसिमल के बाद, अब कर दो 1। अब आपको टेबल तो अगर आते हैं तो बड़े अच्छे से करोगे, 125 1 जा 125 and 125 8 जा 1000, 1 0 बचेगी वो एज इट इज, तो मेरा आंसर आ गया 1/80, सिंपल। अब नेक्स्ट देखो, 8 है, तो 8+32 लिखा ऊपर और अपॉन में क्या कर दूंगी मैं, 2 डिजिट है इधर, तो 2 ही 0 में यहाँ पर ऐड कर दूंगी, कर दिया। अब देखो, अब मैं इसको किससे काट सकती हूँ, 4 से काट सकती हूँ, यस, 4 8 जा 32 एंड 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, तो क्या आ गया मेरा 8+8/25, क्योंकि अब 8 और 25 तो किसी से डिवाइड होते नहीं, तो इसको सिंपल आप फ्रैक्शन में लिख दो, ये आपकी फ्रैक्शन आ गई। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट मेरा 0.0375, तो इन दोनों जीरो को तो लिखने की जरूरत नहीं, आपने सिंपल लिखना है 375 लिख लिया। अपॉन में जीरो कितनी ऐड करेंगे, 1, 2, 3, 4, तो ऐसे ही कर दो, 1, 2, 3, 4 और ये लगा दिया 1। अब काट दो, अब फिर से 125 की इन टेबल आपको लर्न है, तो यस, 125 3 जा 375 और 125 8 जा 1000, 1 0 बचेगी, ये लगा दी मैंने 0। अब मेरा आंसर क्या आ गया, 3/80। अब 3/80 किसी से डिवाइड नहीं होता, तो मैं इसको एज इट इज छोड़ दूंगी। नेक्स्ट पार्ट सेम है इसका, इसमें सिर्फ हमें 3 डिजिट्स दी गई हैं पीछे, यहाँ पर 4 थी, तो यहाँ पर सिर्फ मैंने यही लिखना है, 375 लिखा और अपॉन में 3 डिजिट है, तो 3 0 ही मैं इसके अपॉन में करके छोड़ दूंगी। आप काट दें, वही 125 3 जा एंड 105 8 जा, ठीक है, 125 8 जा 1000 होते हैं, तो ऐसे 8, तो क्या आ गया मेरा आंसर, 3/8। इस तरह से आप सारे